Hello students, welcome to the online class of zoology, and today we are going to start another fresh topic of fish biology, and that is adaptive radiation in fish. As you can see, adaptive radiation ka aap dekh rahe hain ki isme fishes bani hui hain, lekin aap अगर इनका बिहेवियर देखेंगे, फीडिंग बिहेवियर देखेंगे या फूड किस तरह से ये लेती हैं, तो इसमें आप क्लियर कट देख सकते हैं कि एक फिश जो है वो फिश ही खाती है, एक स्नेल खा रही है, एक एल्गी अपना फूड बनाती है, एक का फूड ज़ू प्लैंकटन है, कोई लीफ ईटर है, तो कोई इंसेक्ट ईटर है. ठीक है, तो आप देखिएगा क्यों इस तरह से इनमें डेवलपमेंट इस प्रकार से हुआ, या एवोल्यूशन में इन्होंने अपना जो एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन है इन द फॉर्म ऑफ फीडिंग, वो कैसे इन्होंने देखिए अपना चेंज कर लिया. अब हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन अपन अडैप्टिव रेडिएशन की ये कह सकते हैं कि अडैप्टिव रेडिएशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट लाइनेज डेवलप हो जाती हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम. ठीक है, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि अडैप्टिव रेडिएशन जो है वो एवोल्यूशन में डाइवर्स फॉर्म्स को जन्म देना है. ठीक है, मतलब एक ही एंसेस्टर से अलग अलग फॉर्म्स की स्पीशीज बनने को हम अडैप्टिव रेडिएशन का प्रोसेस हम कह सकते हैं. जो अडैप्टिव रेडिएशन का जो लॉ है वो ऑसबॉर्न एक जूलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने दिया था, और उन्होंने ये कहा कि जो कोई भी आइसोलेटेड रीजन है, ठीक है, और अगर वहाँ पर कोई बड़ी और जो टोपोग्राफी के अंदर अगर कोई वेरिएशन है, या कोई सॉइल में वेरिएशन है, या क्लाइमेट डिफरेंट है, या वेजिटेशन डिफरेंट है, तो ऐसी जगह पर बहुत सारे जो फौना हैं वो उनका ओरिजिन हो जाएगा, या दैट विल गिव राइज टू द डाइवर्सिफाइड फौना, उन्होंने इस तरह से कहा. ठीक है, हमेशा क्या होता है कि एक सेंट्रल या फोकल टाइप होता है, और उससे जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में एनिमल्स डाइवर्ज होते हैं, एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग रूप ले लेते हैं, ऐसा अपन कहेंगे. अब जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया है कि जो कोई भी अगर स्पेशलाइज्ड तरीके से अडैप्ट कर रहा है अपने आप को, तो वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट नीचे को ऑक्यूपाई करेगा, है ना, एक पर्टिकुलर ऐसी जगह को करेगा जहाँ पर के उसको वो सूट कर रहा है, पर्यावरण के हिसाब से भी और अपने नेचर के हिसाब से भी. ठीक है, और जो अडैप्टिव रेडिएशन अगर होने लगता है तो वो एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी जल्दी होता है, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित, या कह लो कि अपने आप को जो सिलेक्शन जो होता है, नेचुरल सिलेक्शन नेचर का, उसमें वो बेस्ट तरीके से चूज़ कर लिया जाए. ठीक है, अच्छा, और ये भी बात है कि ऐसी निचीज, ऐसी जगह जहाँ पर कि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कम से कम हो, वो जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई कर ली जाती है. अच्छा, अब अडैप्टिव रेडिएशन क्या है? एक तरह से रैपिड इंक्रीज है, या जल्दी जल्दी बढ़त है स्पीशीज़ की नंबर में कॉमन एंसेस्टर के साथ, ये मैंने आपको बताई चुकी हूँ. लेकिन इसमें यह है कि इकोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों प्रकार के होते हैं. ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अपन क्या कहेंगे कि जो इकोलॉजी जिसकी फ़र्क हो, है ना, एक जगह कोई एनवायरनमेंट है फिर चेंज हो रहा है, दूसरी जगह कोई और है, है ना, तो जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. कैसे? भाई एक जगह गर्मी का मौसम है, एक जगह बहुत विंटर्स हैं, कहीं स्नो है, कहीं डेजर्ट है. ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैसे होगी?
कि मान लीजिए कि अगर वाटर का ही अपन एग्जांपल लें तो उस पानी के अंदर भी जो पर्टिकुलर एनिमल्स का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या जो उनकी एनाटमी है या जो उनकी मॉर्फोलॉजी है, उनमें अलग अलग चेंजेस आने लग जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को बेस्ट तरीके से वहाँ पर ढाल सकें, उस एरिया में ढाल सकें और कंपटीशन से बच सकें। अब क्या है कि भाई ऐसा क्या है, क्या ड्राइविंग फोर्सेस हैं अडेप्टिव रेडिएशन के, या कह लो कि क्या इम्पेलिंग कॉजेज हैं, है ना, ऐसा क्या वजह है कि अडेप्टिव रेडिएशन एनिमल्स में होती है या ऑर्गेनिजम्स में अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिला है हमें। तो उसमें सबसे पहला, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बता दी, फर्स्ट स्लाइड ही मैंने आपको बताया, नीड ऑफ फूड। क्योंकि खाना ऐसा है कि अगर जब तक फूड नहीं मिलेगा एनिमल को, वो कैन नॉट सर्वाइव, इट कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए सबसे पहले एनर्जी, ऊर्जा, खाना, इसकी ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अडेप्टिव रेडिएशन होने का, वो है सेफ्टी, सेफ्टी। ठीक है, और ये जो फैक्टर्स हैं, फूड और सेफ्टी प्राइम फैक्टर्स हैं, एंड दे लीड टुवर्ड्स एक्वेटिक, एम्फीबियस, एरियल, फसोरियल और बोरियल हैबिटेट। ठीक है, नए नए इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अडेप्टेशन होता है। अच्छा, अब देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक्वेटिक मतलब पानी में रहने के लिए भी उनको अडेप्ट होना है, एम्फीबियस मतलब कि लैंड पे भी और पानी में भी एम्फीबियंस जैसे हैं। ठीक है, एक्वेटिक जैसे फिश हो गई पूरी तरह से, एरियल जो है वो बर्ड्स हो गई, कुछ मैमल्स भी होते हैं जो कि हवा में रहते हैं, फसोरियल जो होते हैं कि जो फसोरियल कौन से होंगे, जो बिल बना के रहते हैं, है ना, जैसे मिट्टी में, सॉइल में, लैंड में बिल बना लेते हैं, उनको फसोरियल कहेंगे। आर्बोरियल हैबिटेट कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जो कि पेड़ों पे अपने बसेरा बना लेते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अडेप्टिव रेडिएशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, और इसी वजह से जो एनिमल्स हैं वो कंपटीशन अपना कम करने के लिए, फूड को लेकर के या जगह को लेकर के, है ना, या ब्रीडिंग के हिसाब से, वो सब ऐसी जगहों पे अपने अपने को अडाप्ट कर लेते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट कर लेते हैं जिससे कि वो उस इकोलॉजिकल स्पेस पे आराम से रह सकें। ठीक है, कुछ ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे क्लाइमेटोलॉजिकल या जियोलॉजिकल बदलाव होता है, वहाँ पर भी कुछ कुछ एनवायरनमेंट जो है बदलता है और स्पीशीज़ का डाइवर्सिफिकेशन होने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उसको ट्रिगर करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एग्जांपल अगर अपन ले लें तो उसमें से जैसे अगर आप सपोज़ करो, चलो मैमल्स आपने बहुत ज़्यादा देखा है आसपास, पढ़े हुए भी हैं, थोड़ा सा मैं आपको मैमल्स का बताऊं कि जैसे एक एग्जांपल अगर अपन बीच में लें तो फोकल एग्जांपल से अपन शुरू करें तो आर्बोरियल में क्या कौन सा आएगा मैमल, बैट है, फ्लाइंग फॉक्स है, फ्लाइंग स्क्विरल है जो कि पेड़ पे रहते हैं। ठीक है, फिर जो कुर्सोरियल होते हैं, है ना, जो जिसमें हॉर्स है, जेब्रा है, जिराफ है, इनके सारे खुर वाले होते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, फिर जैसे फसोरियल में कौन सा हो गया, मोल हो गया, चूहा है, श्रू है, और एक्वेटिक में वेल है, सील है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं डिफरेंट उसमें एरिया में या निचीज में या हैबिटेट इनका डिफरेंट है, फिर इनका स्ट्रक्चरल वाइज भी ये थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये जो क्योंकि आपने आसपास एग्जांपल देखा है तो इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल्स बता रही हूँ। तो इसी प्रकार से फिश में भी जो है डिफरेंट अडेप्टिव रेडिएशन के कारण डिफरेंट फॉर्म्स हुए, बहुत सारी स्पीशीज बन गई। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो आइलैंड्स होते हैं, क्योंकि आइलैंड्स अलग थलग होते हैं, तो कई बार आइलैंड्स में भी एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है एवोल्यूशनरी चेंजेस में, और फिर वहाँ पे भी जो है स्पीशीज जो है बनने लगती हैं। ठीक है, कहीं कहीं जो बिहेवियरल फिनोटाइप्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो इक्वली डाइवर्जेंट करेक्टर्स को एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि कलरेशन है, सिग्नलिंग है ना, कम्युनिकेशन का तरीका है, हार्मोन लेवल्स हैं, बॉडी है, गोनाड साइज है, बॉडी साइज है। ठीक है, और भी कई जो
न्यूरोबायोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं वो सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अडेप्टिव रेडिएशन के लिए या डिफरेंट स्पीशीज़ को अराइज करने के लिए या गिव राइज करने के लिए कह सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये है, अगर कंपटीशन नहीं है वहाँ पर कहीं पे, तो वहाँ पे भी जो स्पीशीज़ हैं वो अपने आप को अच्छी तरह से अडेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। और कंपटीशन जो है वो लैक करता है, वहाँ पे नहीं होता है। जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल एक बुक में मुझे मिला था, मड स्किपर्स जो होते हैं, डिप्लोन्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है, वो जो फ़िश है वो वैसे मरीन है, ठीक है, लेकिन जब वो अगर वो फ्रेश वाटर में आएगी, ठीक है, तो वो कम्पीट नहीं करेगी फ्रॉग्स और सैलामेंडर्स के साथ, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में रेस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है मड स्किपर्स जो हैं वो कभी भी फ्रेश वाटर नहीं हुए, वो अपने मरीन ही रहे, क्योंकि उनको फ्रेश वाटर में कंपटीशन करने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल है फिश में, बहुत अच्छा एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन का, वो है सिक्लिड्स, CICHLIDS सिक्लिड्स का एग्जांपल है। तो ये जो सिक्लिड्स ऐसी फिश है जिसने अपने आप को बहुत ज़्यादा अडाप्ट किया है डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचीज़ में, और मतलब इनकी हंड्रेड्स ऑफ फॉर्म्स इनके डेवलप हो गए इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि भाई किस तरह से जो फिशेस हैं, जैसे सिक्लिड्स स्पेशली, किस तरह से उन्होंने अपने आप को अडाप्ट किया। ऐसे फिश में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिप्नोन्स का, उन्होंने बिल्कुल अलग अलग जगह पर, मतलब वर्ल्ड के तीन अलग अलग जगह पर अपने आप को अडेप्ट करके डिफरेंट स्पीशीज़ अपनी बना ली है ना। नियोसीरेटोडस ध्यान हो आपको, तो लेपिडोसायरन है, प्रोटोप्टेरस है, ये तीनों डिप्नोन्स की फिशेस अडेप्टिव रेडिएशन के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, जिन्होंने कंपटीशन को अवॉइड करते हुए अपनी अपनी जगह पर अच्छी तरह से ये अपने आप को डिवेलप कर रही हैं। आगे इनकी जो प्रोजेनी है वो भी कंटिन्यू कर रही है। इसी तरह से कार्टिलेजिनस फिशेस में या इलास्मोब्रैंक्स में बहुत अच्छा अडेप्टिव रेडिएशन हुआ है, और उनमें जो है जो बॉडी के जो फिश की जो बॉडी है, उनका साइज है ना, उनका जो मॉर्फोलॉजी है, उनके पेक्टोरल जो फिन्स हैं या पेल्विक फिन्स हैं है ना, उनमें इस तरह से डेवलपमेंट हुआ, और उन्होंने कार्टिलेजिनस फिशेस ने अलग अलग अपनी जो कुछ जैसे ना स्पेशली जैसे मरीन एनवायरनमेंट उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। ज़्यादातर आपको कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो मरीन वाटर में मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर उनकी जो बॉडी साइज़ है वो किस तरह से हुई कि उनका जो है फ्यूसीफॉर्म के साथ साथ में आपने देखा होगा कि फ्लैट, मतलब जैसे जो टॉर्पिडो है, जैसे इलेक्ट्रिक फिश है ना, उसका शेप डिफरेंट है, ठीक है, राजा है उसका डिफरेंट है। तो बॉडी शेप उन्होंने अपनी इस तरह से अडेप्ट कर ली कि वो प्रॉपरली अपने आप को किसी जगह पर अच्छे से अपने को डिवेलप कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से उसमें एग्जांपल्स हैं। अब बोनी फिशेस में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें बोनी फिशेस की जो अडेप्टिव रेडिएशन है वो बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सारी फिशेस में अपन को एग्जांपल मिल सकता है जिनमें फिशेस ने अपने को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अडेप्ट किया है। तो बोनी फिशेस में स्पेशली जैसे फ्लाइंग फिश जो ग्लाइड करती है, देखो आप, है ना, और कुछ फिश जो है वो डीप सी फिशेस हैं। अब जैसे डीप सी फिशेस जो होते हैं, है ना, डीप सी फिशेस जो होती हैं उनमें इस तरह से उनमें अडेप्टेशंस हुई कि वो आराम से अपने आप को गहरे पानी में भी आराम से रह रही हैं, है ना। क्या हुआ उनमें, जैसे उनकी प्रीडेटरी हैबिट हो गई। अब क्योंकि क्या होता है, डीप सी में पौधे तो होते नहीं हैं, ठीक है, वहाँ पे स्कैर्सिटी होएगी फूड की, तो उन्होंने क्या किया, कार्निवोरस बन गए वो विद टाइम, ठीक है। उनके माउथ में चेंजेस हो गए, स्टमक में चेंजेस हो गए, फीडिंग हैबिट्स में चेंजेस हो गए, एंडोस्केलेटन उनका वीक हो गया, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा हाथ पैर मारने की, वो तो एक जगह रहते हैं, क्योंकि दिखता बिकता भी नहीं है ज़्यादा उनको, और उस वजह से बायोल्यूमिनेसेंस उनमें डेवलप हो गया। तो मतलब इस तरह से मैं बताना चाह रही हूँ आपको किस तरह से अडेप्टेशंस जो हैं
वो एवोल्यूशन में ज़रूरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पीशीज, है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें जो हिल स्ट्रीम फिशेस जो होती हैं, है ना, हिल स्ट्रीम फिशेस जो होती हैं उनमें भी कोई ना कोई ऐसा अडेप्टेशंस उनमें हो गया जिससे कि वो आराम से अपने आप को हिल्स पे, हिल स्ट्रीम जो होती हैं, जो पहाड़ों पे जो स्ट्रीम्स होती हैं वहाँ पे अपने आप को उन्होंने अडेप्ट कर लिया। जैसे उनकी बॉडी फॉर्म जो होती है वो थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है, है ना, जैसे बालीतुरा है, बालीतुरा होता है ना, जैसे हिल जो जो हिल स्ट्रीम की जो फिश होती है उनके स्केल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, जैसे शाइजोथोरेक्स जो फिश होती है उसके अंदर उनके पेड फिन्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। पेक्टोरल फिन्स ने बहुत, मतलब फ़िश के अंदर पेक्टोरल फिन्स की तो इतनी वैरायटी हुई है कि उन्होंने फ़िश को अलग अलग जगह पे अडाप्ट करने के लिए बहुत हेल्प किया है ना। तो आईज़ इनकी छोटी होती है जो हिल स्ट्रीम वाली होती हैं। अच्छा, फिर एक एयर ब्लैडर ने बड़ा रेवोल्यूशन ला के दिया है, वो अपन आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, कि स्विम ब्लैडर डेवलप होने से फिशेस को बहुत आराम रहा और जो फिशेस हैं वो अपने को अलग अलग माहौल में, अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस के मतलब रीज़न में होते हुए भी, मतलब प्रॉपरली इंट्रैक्ट कर पाए वो एनवायरनमेंट से और अपने आप को अडेप्ट कर लिया और इस तरह से बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स जो हैं एवोल्यूशन में वो फिशेस के हो गए। अब अपन धीरे धीरे इसमें आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को डिफरेंट एनवायरनमेंट में या डिफरेंट इकोलॉजिकल कंडीशंस में अपने आप को कैसे अडेप्ट किया और उसमें कितनी वैरायटी जो है उनकी होती चली गई विद ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। सो इस तरह से ये आज का अपना जो क्लास है ये यहीं पे ओवर होती है। अब नेक्स्ट उसमें जो मैंने आपको बताया कि अपन मॉडिफिकेशंस और अडेप्टिव रेडिएशन के जो फर्दर जो क्लासेस हैं, फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम देंगे कि भाई किस तरह से कार्टिलेजिनस फिशेस में और बोनी फिशेस में कैसे अडेप्टिव रेडिएशन हुआ और किस तरह से उसमें फॉर्मेशन जो है उनकी वो हेल्प करने के लिए बने, अडेप्ट करने के लिए बने। ओके, सो थैंक यू सो मच। Keep reading, keep studying.